गांधी सेवा सदन के प्रांगण में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा प्रदेश महासचिव राम रंजन सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। प्रदेश महासचिव राम रंजन सिंह ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारों सरकारी स्कूलों की पढ़ाई लिखाई को नहीं सुधारे, अब शिक्षा दे रहे प्राइवेट एवं प्ले प्राइमरी स्कूल को बर्बाद करने पर तुल गए हैं। लगातार 20 माह से सभी प्राइमरी स्कूलों के कक्षा नर्सरी से पांचवी की पढ़ाई लिखाई बंद कर रखा है। लाखों प्राइवेट स्कूल संचालक शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। स्कूली पढ़ाई लिखाई बंद रखकर हेमंत सरकार लाखों गरीब आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक बच्चों की शैक्षणिक भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। हल्ला नहीं करिए। मैं झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह, आज 20 माह से पूरे राज्य में कक्षा एक से पाँचवीं तक सारे विद्यालय आज भी बंद हैं। सिक्स से सरकार ने किसी तरह बहुत आंदोलन करने के बाद, बहुत मांग रखने के बाद सिक्स से बच्चों को आने की अनुमति दी, लेकिन वह बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे हैं, ठेला रिक्शा चालक के बच्चे हैं, जिस बच्चे को आज नर्सरी LKG UKG 1-2 में पढ़ना चाहिए था, उसकी शिक्षा 2 साल से बर्बाद हो रही है। वो बच्चे अब पढ़ने से विमुख हो चुके हैं। इस दौरान जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं जहां वो बच्चे पढ़ा करते थे, उसके शिक्षक बेरोजगार हैं। कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई दिल्ली और मुंबई कमाने निकल गए। स्कूल बंद होने के कारण आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर और दयनीय हो गई कि शिक्षक अपने जीविकोपार्जन कर नहीं पा रहे हैं। बच्चे अब पढ़ना चाहते नहीं हैं, अभिभावक स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। इस परिस्थिति में सरकार चुप है, सरकार मौन है और शिक्षा को झारखंड में 10 साल पीछे की ओर धकेलने का काम कर रही है। झारखंड सरकार से हमारी मांग है कि आप अतिशीघ्र अविलंब, जबकि कोरोना है नहीं, कोरोना अब समाप्त की ओर है, हो सकता है तीसरी लहर पुनः आवे जैसा कि आ चुका है। आप न्यूज में देख चुके होंगे, कल हटिया में 55 लोग पकड़ाए हैं, तो ये बाहर से फिर प्रवेश कर रहे हैं, हो सकता है ये और फैले। लेकिन वो बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, वंचित हो गए हैं, गांव में जुआ दारू शराब की लत को अपना चुके हैं, वैसे बच्चे को संभालने की आवश्यकता है, वैसे बच्चे को व्यवस्थित करने की चिंता सरकार को होनी चाहिए। इसलिए हमारी मांग है कि जितना जल्द हो नर्सरी से लेकर पंचम तक विद्यालय खोल दिए जाएं, शिक्षक पुनः अपने काम में लगें ताकि उनकी बेरोजगारी, उनके साथ जो स्थिति है वह कुछ हद तक सुधर सके। अन्यथा हम आंदोलन के लिए अब बाध्य होंगे, छठ के बाद हम आंदोलन के मूड में आएंगे।